हेलो दोस्तों, मनीषा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए आया फायरवर्क्स टेस्ट 2019। तो ये मैंने 2500 रुपये के पटाखे लिए हैं होलसेल से। रिटेल में थोड़े से महंगे पड़ जाते पटाखे। अगर होलसेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, मिल जाएगी, चैनल पे अवेलेबल है। और वीडियो चालू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और एक बार अमेज़ॉन की सेल चल रही है, अभी दिवाली की सेल है, तो जाके चेकआउट करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, मैं खुद परचेज़ किया बहुत चीज़ें उसमें से, तो आप लोग भी परचेज़ करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. तो यार चालू करते हैं हम लोग पहले अनार के आइटम से। तो फर्स्ट अनार जो मैंने लिया है ये कलर कोटी डिलेक्स मैंने लिया है। तो ये मेरे को अराउंड 200 रुपये का डब्बा पड़ा था। इसमें कुछ ऐसे मिलते हैं आपको, इसकी वेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर अनार का वेट अच्छा है तो आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा उसमें मसाला रहेगा, ज़्यादा चलेगा। तो ये मेरे को 200 रुपये के 10 पीस पड़ा था, मैंने इसका एक ही डब्बा लिया है। तो इसकी साइड में लिख लेते क्या क्या लिखा है इसमें। कलर कोटी डीलक्स लिखा है इसमें, यही लिखा है। और अगर MRP देखी जाए तो इसमें लिखा है कुछ 1650 रुपये, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये 1650 MRP है, लेकिन ये मेरे को पड़ा है 200 रुपये का डब्बा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब सीता गीता में। जो सीता गीता है ये अनार फटने वाला अनार है। तो ये मेरे को अराउंड कुछ 50 रुपीज़ का डब्बा पड़ा था। एक मैंने टेस्ट कर लिया है, टेस्टिंग की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, चैनल पे मिल जाएगी। तो इसकी MRP अगर देखी जाए तो 5 पीस सीता गीता MRP देखी जाए तो ये लिखी है 650 रुपये, बट ये मेरे को 50 रुपीज़ का डब्बा पड़ा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्रैकलिंग फाउंटेन में। तो ये क्रैकलिंग कोकोनट है, तो ये मुझे अराउंड 200 रुपये का डब्बा पड़ा है। इसके अंदर 2 पीस हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं क्रैकलिंग कोकोनट 2 पीस कलर कलर वाले हो गए। इसकी मैं टेस्टिंग वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा। तो इसकी MRP देखी जाए तो लिखिए 1107 रुपये, बट ये मेरे को 200 रुपये के 2 पीस पड़े। तो इसको जल्दी से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये दिया है, तो ये बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा भी है और भारी है बहुत। और इसके साथ एक स्टैंड दिया हुआ है जिस पर आप इसके रख के जला सकते हैं। तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा, चैनल पे डालूंगा। तो यार नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में ये अनार। तो ये मेरे को 25 रुपये का एक पीस पड़ा था, तो मैंने इसके 2 पीस लिए सेपरेट मिल रहे थे, तो 50 रुपये के 2 मिल गए मेरे को। तो बहुत अच्छी डील मिल गई, ये 2 पीस है जैसे आप देख सकते हैं। तो मेरे पास अनार में एक और ये आइटम है, ये मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लास्ट ईयर के हैं, इसमें 4 अनार बचे हैं। तो ये मेरे को अराउंड पड़ा था 150 रुपये का डब्बा उस टाइम। और इसके अब MRP देखे जाए तो लिखा है 600 रुपीज़, लेकिन ये मेरे को 150 का डब्बा पड़ा, लेकिन इसमें 4 पीस है मेरे पास। तो नेक्स्ट आते हैं अनार के आइटम में, ये गाला फेस्ट। ये बहुत अच्छा, मतलब मैंने सुना भी है और वो शॉपकीपर ही बोल रहा था बहुत अच्छे अनार हैं ये। तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें 2 पीस दिए हैं, एक साइड में रखते हैं इसको। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका पैकिंग बहुत अच्छे से की है। तो ये मेरे को अराउंड पड़ा अच्छा 200 रुपये का 2 पीस, मतलब 100 रुपये के 1 पीस पड़े हैं। तो हम इसकी एक टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो 2 पीस पड़े मेरे को 200 रुपये के, इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो यार नेक्स्ट आते हैं हम लड़ी पे। तो ये लड़ी मिल जाती है आपको ताज की। तो ये मेरे को अराउंड 18 रुपये का 1 पीस पड़ा था, मैंने होलसेल में से 10 पीस, बट मेरे पास अभी 3 पीस बचे हैं बस। तो ये मेरे को 18 रुपये मिल जाएगी आपको। रिटेल में 25 से 30 रुपये की 1 पीस मिलती है, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी चलती है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीलक्स लड़ी पे। तो ये मेरे को अराउंड 35 रुपीज़ की पड़ी थी, मैंने इसको अभी ली है। तो 35 रुपीज़ की 24 डीलक्स मिल जाते हैं इसमें क्रैकर, बहुत अच्छी आवाज़ है, आप जरूर इसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब नाजी पे। तो ये नाजी है जो मैंने टेस्टिंग वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी जाके चैनल पे देख लो। तो ये मेरे को अराउंड पड़ा था 90 रुपये का बॉक्स। तो ये बहुत अच्छा 9 रुपये का 1 पीस पड़ा था, थोड़ा सा महंगा लेकिन कॉर्नेशन का है। अब इसकी MRP देखी जाए तो MRP इसको यहाँ पे दी है आपको, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 129 रुपीज़ है, बट ये मेरे को पड़ा था 90 रुपीज़ का। तो ये बहुत अच्छा, बेस्ट बाय कर सकते हैं, कॉर्नेशन का है तो आवाज़ अच्छी आती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5-5 साइज साउंड, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लें, क्योंकि आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। ये 3 पीस बचे हैं, लास्ट ईयर के हैं मेरे पास, तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है।
तो इसका जैसे देख सकते हैं 10 पीस दिया है, इसमें रिटेल प्राइस दी नहीं है, बट ये मेरे को पड़ा था 110 रुपये का 10 पीस। तो ये थोड़ा बेस्ट बाय नहीं हो सकता, ये आप मत लेना, कि बहुत सारे लोग इसको बेचते हैं कि आप ले लीजिए, बट आवाज़ इतनी मज़ेदार नहीं आएगी। और अगर आपको आवाज़ अच्छी चाहिए तो आप ये मस्ट बाय कर सकते हैं, ये वाला बम। तो ये मेरे पास दो ही पड़े हैं, इस साल नहीं बिक रहे हैं ये। तो ये मेरे को अराउंड 100 रुपीज़ का बॉक्स पड़ा था, 10 पीस थे, और ये वाला 80 रुपीज़ का पड़ा था। तो ये वाला आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ होती है। टॉप टाइगर का है, कहीं भी अगर रिटेल शॉप जाएंगे ज़रूर मिल जाएगा, अब आपके शहर में मेरे को पता नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये एटम बॉम में। तो ये मेरे को बहुत अच्छा प्राइस में मिल गया था, ये मेरे को अराउंड 50 रुपीज़ का डब्बा मिला था, मैंने होलसेल में लिया था आफ्टर बार्गेनिंग। होलसेल में भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इसकी MRP देखी जाए तो इसमें रिटेल प्राइस दी नहीं है, तो ये आपको जितने भी रिटेल में आपको मिल जाएगा अराउंड 120 से 100 रुपये के अंदर, तो आप इसको ले सकते हैं। इसकी मैं एक टेस्टिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरे को अराउंड पड़ा था 50-70 का दे रहा था, लेकिन मैंने डिस्काउंट करके 50 का लिया था। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, बेस्ट पावर चाहिए, तो ये लोकल है, देख सकते हैं इसकी साइज़ बहुत ख़तरनाक है और आवाज़ भी बहुत ख़तरनाक होगी ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरे को अराउंड 100 रुपीज़ का डब्बा पड़ा था, एक ही डब्बा मैंने लिया, क्योंकि ज़्यादा लिया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा में जलाता नहीं हुई है। तो इसकी MRP आप दे सकते हैं, इसमें दिए 450 रुपये, बट ये मेरे को 100 रुपीज़ का डब्बा पड़ा है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्क बॉम में। तो लक्ष्मी बॉम जैसा होता है, लेकिन लक्ष्मी बॉम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप जलाएँ। तो ये मेरे को 18 रुपये का एक पीस पड़ा था, होलसेल में आपको 180 के 10 पीस पड़ते हैं, रिटेल में आपको ये 30 रुपीज़ से 25 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो मज़ा आती चला के, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जाके चैनल पर देखो। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब डबल साउंड में। तो डबल साउंड अगर आपको जलाना है, मज़ा करना है, तो आप ये ले सकते हैं, मेरे को 18 रुपये का एक पड़ा था पीस होलसेल रेट, और रिटेल में आपको ये 25 से 30 रुपये का मिल जाएगा। तो ये बेस्ट बाय कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्काई शॉट्स में। तो स्काई शॉट्स की मेरे पास बहुत सारी वैरायटी पड़ी है, बट स्टार्ट करेंगे हम इससे कॉर्नेशन के पंच अवतार से। ये पेंटा स्काई शॉट्स का कॉपी है, बट कॉर्नेशन ये बनाता है, ये 212 इसकी MRP लिखी है। तो ये 200 का ही मिलता है, लेकिन ये होलसेल में मेरे को 100 रुपये का 5 पीस पड़े हैं, जिस वजह से मैंने 2 पीस जला दिए थे। तो ये अलग अलग कलर्स में, रेड कलर है, स्पार्कल कलर है, और ये ऑरेंज कलर है। तो आप इसको ले सकते हैं, इसकी बहुत ऊपर भी जाता है ये, तो ये आप बेस्ट बाय कर सकते हैं। 5 पीस आते हैं 200 रुपये का आपको रिटेल में मिलेगा, बट अगर आप होलसेल में ट्राई करेंगे आपको 100 से 110 में मिल जाएगा। तो ये बेस्ट बाय आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रॉकेट में। तो रॉकेट बॉम्ब पहले हम छोटे से पड़े, इसमें आलिया भट्ट बनी है, और ये मेरे पास 4 पीस पड़े हैं, मैंने इसको यूज़ कर दिया था। तो मेरे को 50 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ा था 10 पीस। तो इसकी MRP देखी जाए तो दी है यहाँ पे 240 रुपीज़, बट ये मेरे को 50 रुपीज़ का डब्बा पड़ा है। तो ये भी ले सकते हैं अगर आपको मज़े करने रॉकेट्स के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बड़े रॉकेट में। तो ये अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लें, क्योंकि लास्ट वीडियो आप देखे होंगे, तो ये मज़ा नहीं आया मेरे को उतना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर एक साथ जलाने तो आप ले सकते हैं। तो ये मेरे को अराउंड 130 के दोनों डब्बे पड़े थे, मतलब 65 का एक डब्बा पड़ा था, सही सुने 65 का एक डब्बा पड़ा था। बहुत सस्ता है, लेकिन आवाज़ में इतना मज़ा नहीं है, चलाने में मज़ा नहीं आएगा। और इसकी MRP यहाँ पे दी हुई है 301 रुपये, 301 का एक डब्बा, मतलब आपको रिटेल में इतने का ही मिलता है, रिटेल में आपको 200 रुपये का एक डब्बा मिलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लें। तो इसके मेरे पास 2 डब्बे। अब नेक्स्ट आते हैं तो स्काई शॉट में, छोटा स्काई शॉट है मेरे पास, ये 10 रुपये का एक मेरे को पीस पड़ा था, और ये मतलब आपको सस्ते अगर स्काई शॉट चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, 10 रुपये का मिल जाएगा आपको। और इसकी MRP देखी जाए तो यहाँ पे लिखी है 167 रुपीज़, बट ये मेरे को 10 रुपये का पड़ा। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम लोग चक्री में। तो ये चक्री स्पिनर है, बहुत अच्छी चक्री है, मैंने इसकी टेस्टिंग वीडियो में कल डालूंगा, तो आप कल चैनल पे देख लेना। तो ये मेरे को अराउंड पड़ा था 170 का डब्बा, 10 पीस पड़े थे, बहुत अच्छी चलती है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको लेनी है तो ये वाली चक्री ले सकते हैं, मज़ा आएगा आपको चला के। तो मैंने इसमें से एक यूज़ कर चुकी है, एक और यूज़ करूँगा जो कल वीडियो आएगी। तो ये बहुत अच्छी चलती है, आप इसको ले सकते हैं। तो यार नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब रोशनी में। तो अगर आप फुलझड़ी चलाना पसंद नहीं करते, आप रोशनी ले सकते हैं। तो ये बहुत मज़ा आता है चला के, अनार वनार चलने के लिए बहुत सही रहती है। मेरे को 40 रुपीज़ का डब्बा पड़ा था,
तो इसकी MRP देखी जाए तो यहाँ पे दी है 160 रुपये, और ये रिटेल में भी आपको 100 से 160 में मिलेगी, लेकिन अगर सस्ती मिल जाती है तो ले लीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाली लीजिए या कोई भी ले सकते हैं आप, वैसे तो सारी एक ही होती हैं। तो यार नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने बड़े स्कर्ट शर्ट में, जिसको आप देखना ही चाहते थे मेरे को पता है। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग ट्राई एंगल स्काई शॉर्ट में। तो ये सबसे मैंने महंगी अभी तक इन्वेस्टमेंट किया स्काई शॉर्ट्स में। तो ये मेरे को 350 रुपीज़ का 3 पीसेस पड़े हैं। हाँ आपने सही सुना, 350 के 3 पीस। तो इसकी MRP देखी जाए तो दिए 440 रुपीज़। तो रिटेल में भी आपको 440 का ही मिलेगा, MRP पे मिलता है। तो इस अब इसको जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि बहुत भारी स्काई शॉर्ट है ये। तो मैंने पैकेजिंग खोल ली है, अब जल्दी से हम लोग बॉक्स को खोल। तो दोस्तों आप लोग कुछ ऐसे मिल जाते हैं, बहुत प्रीमियम स्काई शॉर्ट्स हैं, और इसको खोल के देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है नॉर्मल स्काई शॉर्ट से, और ऊपर लिखा है चीमा, और इसका यहाँ पे टाइमर दिया है। तो हम इसको टेस्ट भी करेंगे इस वीडियो में, नहीं किसी और वीडियो में। तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको यही मिल जाए तो बहुत भारी भी है ये। जैसे आप देख सकते हैं इसका वेट आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कितना भारी है। तो यार नेक्स्ट स्काई शॉट में आते हैं हम लोग बीट इट का स्काई शॉट। तो ये भी अच्छा स्काई शॉट है, लेकिन थोड़ा सा आपको सस्ता स्काई शॉट चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। दिए मेरे को 210 के 3 पीसेस पड़े हैं। तो अब इसकी MRP देखी जाए तो यहाँ पे दिए है 550 रुपये। तो ये 550 का नहीं मिलता, ये आपको मिल जाएगा अराउंड 350 रुपये के 3 पीसेस। तो अब हम इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो लुक वाइज तो बहुत अच्छा स्काई शॉट है, बस ये काम कर जाए तो भाई बहुत सही रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके में आता है, बीटेड का है, 210 के मतलब 70 रुपये का एक डब्बा पड़ा है, एक पीस पड़ा है मेरे को। तो इसको भी हम टेस्ट करें, काश ये अच्छा चले। ये रेड कलर का है, इसमें आपको तीनों रेड कलर के ही मिलते, तो मैंने रेड कलर ही लिया है। तो यार नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग ये वाले स्काई शॉट में। लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, इस साल भी मैंने लिया है। ये मैंने 2 पीस रखे हैं, एक पीस मैंने टेस्ट कर लिया। ये स्पाइडरमैन वाला आता है, तो ये मेरे को 62 पीस का एक स्काई शॉट पड़ा था, बहुत सस्ता मैंने लिया था, एक ग्रीन कलर का है। और दूसरा स्काई शॉट है ये थोड़ा महंगा है, 120 रुपये का एक स्काई शॉट है। तो ये भी बेस्ट बाय ले सकते हो, थोड़ा भारी भी है ये। तो ये मैंने 2 स्काई शॉट लिए थे। तो यार अब लास्ट हम लोग आते हैं लड़ी में। 1000 वाले इस बार मैंने लिया, ज़्यादा मैंने बारिश नहीं ली क्योंकि सारी एक जैसी रहती है। तो ये मेरे को पड़ी थी 200 रुपये की 1000 वाला। तो आप इसकी जैसे देख सकते हैं MRP दी है 2100 रुपये, मतलब 10% मेरे को का पड़ा है 200 रुपये की। तो ये बहुत अच्छी चलेगी, इसकी भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। अगर आप नए हो तो पुराने हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो कि कैसी लगी वीडियो, और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी कुछ एक्सपेरिमेंट होने वाली है और टेस्टिंग होने वाली है, और फायरक रख हम दिलाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड रहो, बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। Get it now though, I'm not slowing down though, coming for that crown though.